वेरी वेलकम बैक टू माई चैनल माई डियर फ्रेंड्स। आज मैं छोटे बच्चों के लिए एक गर्म कपड़े का एक पैंट बनाने जा रही हूँ। ये पैंट 4 से 5 साल के बच्चे के लिए है, जिसका लेंथ है 24 इंच और इसका कमर है 20 इंच। तो चलिए इस कपड़े का बच्चे का कमर है 20 इंच, तो हम इसमें 1.5 इंच का मार्जिन लेकर इसको मार्क कर लेंगे। और हीट है 6.5 इंच, तो हम इसमें भी 1 इंच का मार्जिन ले लेंगे। 7.5 पे निशान लगा देते हैं। अब इसको और इसको मिला देंगे और यहाँ से एक राउंड शेप दे देंगे। मैंने यहाँ से एक राउंड शेप ले दिया है और हम अब लेंथ मार्क लेते हैं। देख सकते हैं 24 इंच मेरे यहाँ पे आ रहा है और इसमें हम 2 इंच का मार्जिन फोल्ड करने के लिए ले लेंगे। ये हमारा पैंट काटने के लिए स्टेल स्केल आता है, तो इस तरह की स्केल की जरूरत हमें पड़ेगी। तो हम यहाँ से यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये मैंने नीचे 6 लिया है और 1 इंच हमारी सिलाई के अंदर चली जाएगी। तो चलिए इसे हम काट लेते हैं। सेंटर में मार्क लगाया है। इस स्क्वायर को लेके हम यहाँ पे इस तरह से मार्क लगा लेंगे। देख सकते हैं मार्क लगा लिया है एकदम साइड में। अब हम इसे कट कर देंगे। मैंने इसे कट कर लिया है। अब हमें ऊपर के 2 पार्ट को उठाने हैं और यहाँ इसमें 1/2 इंच कट कर लेना है। देखिए मेरा ये ऊपर वाला पार्ट है, इसमें 1/2 इंच कट कर लेंगे यहाँ से। बैक के पार्ट से 1/2 इंच छोटा रहता है, तो हम इसमें एक निशान लगा देते हैं जिससे हमें पता चले कि ये फ्रंट का पार्ट है। ये दो चलिए अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। फ्रंट वाले दोनों पार्ट को स्टिच कर लिया है। ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम इसे इस तरह से रखेंगे और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हम एक साइड में पैकेट अटैच करेंगे, तो इसके लिए हमें दूसरा कपड़ा लेना है। पैकेट बनाने के लिए मैंने एक 4.5 इंच का कपड़ा लिया है, जिसकी लंबाई 7.5 इंच है। इसको हम यहाँ से, ये कपड़े 2 फोल्ड में हैं। सबसे पहले हम इस यहाँ पे यहाँ से इस तरह से करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे इस पार्ट में एक को और दूसरे पार्ट में इसको यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे। देखिए मैंने यहाँ दोनों तरफ से इस तरह से सिलाई लगा ली है।
अब हम ऊपर से 4 इंच का यहाँ से 4 इंच छोड़ के फिर नीचे की हम पूरी पूरी पैंट को हम यहाँ से यहाँ तक सिल देंगे दोनों तरफ। ऊपर से हमें 4 इंच छोड़ देना है और यहाँ से दोनों तरफ हमें सिल देना है पूरे पैंट। देखिए मैंने इस साइड भी सिलकर तैयार कर लिया है और ये इस वाला साइड भी सिलकर तैयार कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 इंच का छोड़ के बाकी के नीचे वाले पार्ट को सिल लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब हमें नीचे का जो मार्जिन लिया था इसको हमें मोड़ना है। ये देखिए मैंने दोनों तरफ ये कच्ची सिलाई लगा ली है जो हमें नीचे का पैंट का नीचे वाला पार्ट को जो मुझे मोड़ना था उससे मैंने दोनों तरफ कच्ची सिलाई लगा ली है। देखिए इसमें हम तुरपाई करेंगे। अब इस तरह से हमें मोड़ना है और इस तरह से हमें एक सिलाई लगा लेनी है तो ये पूरा पैंट का सेफ हो जाएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है अच्छे से, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डबल करके सिलाई लगा ली है। अब हमें इस कमर में, क्योंकि बच्चे के लिए मैं ये पैंट बना रही हूँ तो ये कमर में हम इलास्टिक अटैच करेंगे। तो इलास्टिक अटैच करने के लिए हमें 1 इंच का कपड़ा इसमें ऐड करना पड़ेगा। देखिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी तैयार कर ली है। अब इस पट्टी को हम यहाँ पे इस तरह से अटैच कर लेंगे। पहले यहाँ से इस तरह से हम इस पट्टी को अटैच कर लेंगे सिलाई लगा के। देखिए मैंने इस पट्टी को यहाँ पे जोड़ लिया और इसे इस तरह से मोड़ लिया है, एक फोल्ड मोड़ लिया और मैंने यहाँ पे 1 इंच का स्पेस रखा है ताकि हम यहाँ से इलास्टिक को डाल सकें। ये मैंने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक ली है जो कि 15 इंच की है, 15 इंच की है। हमारा कमर की चौड़ाई 20 थी तो इलास्टिक हमेशा हम 5 से 6 इंच कम लेते हैं तो ये हमारा 15 इंच का है। अभी हम इसमें इंसर्ट कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे इलास्टिक को इंसर्ट कर दिया है। अब हम यहाँ पे इलास्टिक को स्टिच कर देंगे और इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे स्टिच कर देंगे। देखिए मैंने इलास्टिक वाली जगह को यहाँ पे स्टिच कर दिया है, आप देख सकते हैं इसका बैक का पार्ट ऐसा है। ये हमारा पैकेट है, ये हमारी पैकेट है, ये हमारा पैंट बन के तैयार हो गया है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।